हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरडीपीबी डिप्लोमा के सिविल इंजीनियरिंग के फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में कि भैया क्या क्या चीजें हैं जो आपको फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना है बेटा। और साथ ही साथ मैं आपको गाइड करूंगा कि आप अपने फोर्थ सेमेस्टर की पढ़ाई कैसे कर सकते हैं, क्योंकि देखो बेटा अब क्या है ना, आप अपने लाइफ के इंपॉर्टेंट फेज में आ गए हो। फोर्थ सेमेस्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेटा, तो एकदम आप समझ लो कि यहाँ पर सिलेबस नहीं, मैं आपको बेसिकली गाइड करने वाला हूं, एक रोड मैप है कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए तो आज हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? आज हम लोग बात करेंगे आरजीपीबी डिप्लोमा के बच्चों के बारे में जिनका ब्रांच सिविल है और जो अभी अभी फोर्थ सेमेस्टर में गए हैं। देखो यार, वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, अभी तक जो पैटर्न चल रहा है ना कि आप एग्जाम के टाइम पे पढ़ते थे, पास हो जाते थे, यार उस पैटर्न को आप तोड़ो। क्योंकि जब मैंने सिलेबस को यहां पर बनाया ना, मैंने चीजों को पढ़ा तो बहुत ऐसी ऐसी चीजें मुझे देखने को मिली बेटा, जो आप पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा आपको। जैसे हाइड्रोलिक्स है, उसमें आपको फ्लूइड के बारे में पढ़ना, उसको आप पढ़ोगे तो उसमें आपको मजा आएगा। स्ट्रक्चरल एनालिसिस है, वहां पर आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह देखने को मिलेगा। बिल्डिंग ड्राइंग है आपका, आप सोचो बड़ी बड़ी मल्टी का भी आपको यहाँ पर दिया गया कि 2 BHK फ्लैट कैसे निकलेगा, 1 BHK फ्लैट कैसे निकलेगा, है ना। अगर कोई कमर्शियल एरिया है तो वहां पर आप कैसे ड्राइंग करोगे, तो वहां पर भी मुझे अच्छा लगा देखकर। और साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है बेटा, कि आप अगर एक इंजीनियर हो, ठीक है, तो कौन से जगह पे कितना चौड़ा रोड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपन कहीं पे कोई भी रोड बना देते हैं, हम लोग पहले नीड देखते हैं, पॉपुलेशन देखते हैं, ज्योग्राफिकल लोकेशन देखते हैं बेटा, उसके बाद हम लोग रोड की क्या करते हैं, तैयारी करते हैं। उसके अलावा सर्वेइंग है, कि जब भी हम लोग काम वगैरह स्टार्ट करते हैं तो सर्वेइंग करते हैं कि वो जगह कैसा, लेवल कैसा। तो अच्छी चीज है बेटा, इतना आप समझ लो कि फोर्थ सेमेस्टर जो है बेटा वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब होता क्या यार, हम लोग पास तो हो जाते हैं, फिर हम लोग जाते हैं जॉब करने के लिए, तो इंजीनियर बोलता है लेवलिंग मिला, अपन को लेवलिंग ही नहीं आता है। हाँ, तो वहां पर क्या होता है, फिर बेइज्जती होता है भाई, लगता है बुरा कि यार आप क्या पढ़ कर आए। तो भाई मैं चाहता हूँ तो दिल से पढ़ो ना, आपके पास समय, आप सीखो ना, एक एक टॉपिक आप यूट्यूब में सर्च करोगे ना, आपको सारे टॉपिक्स मिलने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो प्लीज मेरी बात को आप ध्यान देना कि यार पढ़ना स्टार्ट कर दो, अच्छे मन से पढ़ो, है ना। यहाँ पे पास फेल की मैं बात ही नहीं करूंगा, आप आराम से पास हो जाओगे अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, अगर आपको नॉलेज रहेगा तो। ठीक है, चलिए बेटा, तो अब आते हैं आपके सब्जेक्ट्स में, कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। देखिए, सबसे पहला सब्जेक्ट जो है बेटा वो है आपका हाइड्रोलिक्स, इसको हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फ्लूइड मैकेनिक्स भी कहते हैं। और यहां पर आपको पढ़ना है बिहेवियर ऑफ फ्लूइड के बारे में। क्या पढ़ना है बेटा? बिहेवियर ऑफ फ्लूइड के बारे में, कि फ्लूइड कैसा बिहेव करता है। अब आपने डैम बना दिया, मानकर चलो आपने एक डैम बनाया, आप एक इंजीनियर हो और यहां पर पानी है। अब आपको क्या है कि फ्लूइड मैकेनिक्स का नॉलेज नहीं था, तो यहां पर डैम पे ज्यादा प्रेशर पड़ गया, और जब डैम पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो पता चला ये डैम क्या होगा, फिर टूट जाएगा। ठीक है, तो यहां पर फ्लूइड कितना प्रेशर लगा सकता है, फ्लूइड की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं बेटा, वो आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ना है। और मैं आपको क्लियर कर दूं कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है और इसके न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिलाकर ये एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है जो कि आप समझ कर अच्छे से कंसेप्ट वाइज पढ़ सकते हो। हाइड्रोलिक्स का क्लास मैंने अनाउंस भी करा था, ठीक है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, भले आप क्लास ज्वाइन करो ना करो, मैंने पूरे हाइड्रोलिक्स का सिलेबस बताया है। तो आप हाइड्रोलिक्स के सिलेबस के लिए उस वाले वीडियो का रेफरेंस लोगे, क्योंकि वहां पे मैंने बाकायदा बताया है हाइड्रोलिक्स के बारे में। ठीक है, चलिए भैया, तो एक सब्जेक्ट तो आपका हो गया जो कि है न्यूमेरिकल वाला। कौन सा भैया? न्यूमेरिकल, है ना, ये वाला सब्जेक्ट है न्यूमेरिकल। ठीक है, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट है आपका एडवांस सर्वेइंग। अब भाई अपन कभी भी कोई प्लॉट वगैरह लेते हैं, आप घर बनाते हो या रोड कुछ भी बनेगा, हम लोग क्या करते हैं बाकायदा पहले जाके जमीन को देखते हैं कि जमीन कैसा है, रोड से ऊंचाई उसकी कितनी है, यहाँ पर क्या बनाने से प्रेफरेंस रहेगा। तो हम लोग क्या है कि बिफोर कंस्ट्रक्शन करने से पहले हम लोग क्या करते हैं बेटा, सर्वे करते हैं, है ना। बड़े बड़े प्रोजेक्ट का सर्वे होता है जब रोड वगैरह बनता है, ऐसा नहीं कि तोड़ा और कल बना दिया, नहीं, बाकायदा रोड टूटता है, बाकायदा उसका सर्वे होता है, बाकायदा उसकी लेवलिंग होती है बेटा, उसके बाद ही कोई प्रोजेक्ट चालू होता है। ऐसा नहीं कि मान के चलो कि कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट ना 6 महीना ऑन कॉपी ही चालू होता है,
मतलब आप जाओगे साइट पे, लेबलिंग करोगे, सारी चीजें करोगे, ऐसा नहीं कि आज आपको मिला ठीक है कल से आप काम स्टार्ट कर दिए, नहीं। एक बड़ा बिल्डिंग बनना है, बड़ा स्कूल बनना है बेटा, तो वहां पे बकायदा पहले सर्वेइंग का काम होता है, ठीक है, एक ऐसा काम जो कंस्ट्रक्शन से पहले हम लोग करते हैं कि ये करना है वो करना, वो सारी चीजें कहाँ होती है बेटा, सर्वेइंग में आपको पढ़ना। और मैं यहाँ पर बोलूंगा ना कि सर्वेइंग के एक एक टॉपिक को, जैसे यहाँ पर मैंने टॉपिक बताया है, एक एक टॉपिक को, प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वे, इसको यूट्यूब में सर्च करो और पढ़ो, ठीक है। उसके बाद क्या है बेटा, एक्सेसरीज ऑफ प्लेन टेबल, इसको आप यूट्यूब में सर्च करके पढ़ो, ठीक है। अगर आपको यूट्यूब में सर्च करने पे नहीं मिलता है तो आप चैट जीपीटी भी डाउनलोड कर लो, ठीक है। आप क्या करो बेटा, चैट जीपीटी भी डाउनलोड कर लो, वहां से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट को बेटा आपको उसी तरीके से पढ़ना है। भाई इस बार मेरा मन है कि नहीं आप अच्छे से पढ़ो यार, मैं सच बता रहा हूँ। मुझे नहीं था, मैं सिलेबस का वीडियो नहीं बनाने वाला था, लेकिन मुझे लगा नहीं है, बच्चों को अगर थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे बच्चे हो जाएंगे मोटिवेट, कितना अच्छा लगेगा आप अगर सीखोगे तो। अगर आपको पता रहेगा कि प्लेन टेबल सर्वे क्या होता है कितना अच्छा लगेगा, ठीक है। आपको अगर पता रहेगा स्विंगिंग क्या होता है कितना अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं बेटा जो आपको कवर अप करनी है, ठीक है। चलिए तो इसको आप कहां से पढ़िएगा बेटा, इसको आप यूट्यूब से पढ़िएगा, ठीक है। यूट्यूब से कैसे पढ़ोगे बेटा आप इसको, टॉपिक बाय टॉपिक सर्च करके, टॉपिक बाय टॉपिक सर्च करके आप इसे पढ़ोगे, कहां से, यूट्यूब से। अब आते हैं बेटा थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में, आप कहां पर आते हैं बेटा, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में आते हैं। देखो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर जो है ना, ये आपका प्योर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, मतलब समझ लो कि ये सोम का बड़ा भाई है, जो इससे पहले आपने पढ़ा था ना मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, ये सोम का क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा भाई है। तो यहां पर आपका क्लास लेंगे मोहन सर, ठीक है। इसका क्लास में बहुत जल्द लॉन्च करने वाला हूं, ठीक है। जैसे इसका क्लास लॉन्च होगा डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का मेरे प्यारे बच्चों आप आराम से पहले क्या करना, सिलेबस को देख लेना, क्योंकि ये दो सब्जेक्ट आपके सबसे ज्यादा टफ है, एक आपका ये हाइड्रोलिक्स और दूसरा आपका थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, जिसको प्यार से हम लोग टॉस भी कहते हैं, ठीक है। चलिए चलिए बेटा, उसके बाद आपका क्या है, बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग। अब देखो बेटा यहां पर क्या है कि आपको पहले ड्राइंग करना पड़ेगा, सर्वेइंग के बाद क्या काम होता है बेटा, सर्वेइंग के बाद होता है आपके ड्राइंग का काम, है ना। जो ड्राइंग करते हैं ना भैया कि ये आपका प्लॉट है तो ये आपका बेडरूम बनेगा, है ना, ये आपका वॉशरूम बनेगा, ये हॉल बनेगा, तो ऐसे ड्राइंग होता है ना। तो ये सारी ड्राइंग कहां पढ़नी है आपको, ये सारी ड्राइंग आपको पढ़नी है बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग में। एंड ये भी आप यूट्यूब से करोगे, जहां चाह वहां राह, चाहोगे तो हो जाएगा। भाई कितना कोर्स करवाऊं मैं भी, दो कोर्स इनफ है, मैं चाहूं तो अभी ये भी बोल दूं टफ है आपसे नहीं हो पाएगा, तो नहीं भैया वो सब काम नहीं करना है। ये टफ है इसको मैं पढ़ा देता हूं, ये टफ है इसको मैं करवा देता हूं बेटा। ड्राइंग का सब्जेक्ट अच्छा है, है ना। अगर अभी आप ड्राइंग वगैरह कर लोगे तो नेक्स्ट सेमेस्टर में मैं एलिवेशन के बारे में आपको सॉफ्टवेयर बता दूंगा कि आप एलिवेशन कैसे करोगे, है ना। ग्राउंड बनने के बाद एलिवेशन होता है कि आपका ग्राउंड से जब घर बन जाएगा तो वो कैसा दिखेगा, है ना। तो एलिवेशन के बारे में भी सॉफ्टवेयर बताऊंगा भाई, लेकिन आपको पहले बिल्डिंग ड्राइंग आना तो चाहिए, तब तो फिर जाके आप एलिवेशन वगैरह के बारे में करोगे। तो फिलहाल अभी आप बिल्डिंग ड्राइंग के अपने बेसिक कंसेप्ट को क्या करो बेटा, अच्छा करो, ठीक है। चलो उसके बाद है आपका वाटर सोर्स इंजीनियरिंग, सॉरी वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, ये भी थ्योरी है, इसको भी आप यूट्यूब से सर्च करके पढ़ो, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको इसमें मिलेगी बेटा, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट सब्जेक्ट है आपका वो है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कहां पर कैसा रोड बनना है, है ना। अगर आप रेलवे ट्रैक बनाने जाते हो तो उसके लिए क्या नीड होता है, है ना। ऐसे नहीं कहीं भी रेलवे ट्रैक अपन बिछा देते हैं, वहां पर भी सारी चीजों को देखते हैं बेटा। तो मैं आपको बोलूंगा कि इस सेमेस्टर में प्लीज यार बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स हैं आपके जो आपके नॉलेज को इंप्रूव करेंगे। डेली 3 से 4 टॉपिक आप सभी सब्जेक्ट का पढ़ो, आपका काम बन जाएगा। ज्यादा नहीं बेटा, आपसे डेली मैं चाहता हूं कि आप अपना 3 घंटा दो, क्योंकि देखो बेटा अगर नॉलेज वगैरह रहेगा ना तो एसएससी जेई वगैरह का पेपर आप आराम से क्लियर कर लोगे, ज्यादा टफ नहीं आता। होता है कि अपन लेट स्टार्ट करते हैं, 2 साल तैयारी में देते हैं, अपन का निकलता नहीं, लेकिन आप अगर अभी से बेसिक अपना अच्छा रखोगे तो एसएससी जेई वगैरह आपका आराम से निकल जाएगा, ठीक है। चलिए बेटा, तो कोर्स के बारे में मैं यहीं पर आपको थोड़ा सा डिटेल्स बता दूं। पहले ये पहला कोर्स अपन करवा रहे हैं, ये दूसरा कोर्स अपन करवा रहे हैं, क्यों, क्योंकि दोनों आपके प्योर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हैं, इसलिए ये कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, इसके लिए अपन प्लानिंग में है, ठीक है। इस कोर्स के लिए जो भी इंटरेस्टेड होगा अपना नाम कमेंट करना, ठीक है। चलिए अपने सिलेबस को पहले डिस्कस कर लेते हैं, देन मैं आपको फीस रिवील करूंगा कि क्या फीस होगा। ये आपके एडवांस सर्वेइंग का है, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये आपका यूनिट नंबर
थ्री ये आपका यूनिट नंबर फोर, ये आपका यूनिट नंबर फाइव एंड दिस इज योर यूनिट नंबर वन फॉर बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग, ठीक है। ये आपका यूनिट नंबर टू, यूनिट नंबर थ्री, देख लो बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं यार, टॉपिक बाय टॉपिक सर्च करना मजा आएगा आपको, है ना। देखो यहां पर क्या है, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग रेसिडेंशियल एंड पब्लिक बिल्डिंग, कि रेसिडेंशियल और पब्लिक बिल्डिंग बनाने का क्या प्रिंसिपल होता है ना, तो इन सबको आप यूट्यूब में सर्च करना मिलेगा आपको टॉपिक, ठीक। ये फोर और फिफ्थ है ना, ये आपका वाटर इंजीनियरिंग का, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग का यूनिट नंबर वन, यूनिट नंबर टू, ये थ्री और फोर है ना। इसमें देखो कैनल वगैरह का हम पढ़ने, नहर निकलती है ना उसके लिए क्या क्या चीजें होती है वो आपको पढ़ना है यहाँ पर। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, देखो पहला हाईवे है ना, फिर ज्योमेट्रिकल डिजाइन ऑफ हाईवे है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड है, उसके बाद बेसिक ऑफ रेलवे इंजीनियरिंग। अच्छा सिलेबस है भाई, अच्छा लगा मुझे देखकर, है ना। ट्रैक ज्योमेट्री है, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस, कैसे ट्रैक का ज्योमेट्री होता है, क्या कंस्ट्रक्शन है, क्या मटेरियल होता है, रेलवे स्टेशन कितने टाइप के होते हैं, है ना। तो भाई देखो कितना अच्छा सिलेबस है आपका, आप टॉपिक बाय टॉपिक सर्च करके पढ़ना, ठीक है। चलिए तो हाइड्रोलिक्स का कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके पहले डेमो एंजॉय कीजिए, अगर आपको डेमो अच्छा लगता है तब आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ठीक है। तो जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे आपको ऐप के होम पेज पे एक सेक्शन दिखेगा आरजीपीबी डिप्लोमा का, वहां पर जाएंगे तो आपको कोर्स मिल जाएगा, और अगर नहीं मिलता है तो एक स्टोर है मेरे ऐप में, ठीक है, स्टोर पे सर्च कीजिएगा आरजीपीबी डिप्लोमा तो भी आपको कोर्स मिल जाएगा। इन केस नहीं मिलता है तो यहाँ पर ये दो मेरा ही नंबर है, इस पर आप कॉल लगा सकते हैं, साथ ही साथ जब आप ऐप डाउनलोड करोगे ना तो वहां पर एक नंबर आपको जनरेट हो जाएगा, उस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसके बारे में भी अपन बात कर रहे हैं सर से, ताकि मैं चाह रहा हूँ कि अभी टॉस हो जाए तो फिफ्थ सेम में आपका आरसीसी हो जाए, फिर नेक्स्ट सेम में आपका स्टील हो जाए, क्योंकि कोचिंग आपको इसमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों क्या है बेटा आपके प्योर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, और इनके अलावा जो भी सब्जेक्ट है वो इजी है, आपको बस टॉपिक बाय टॉपिक यूट्यूब में सर्च करके पढ़ना है। सबसे पहले आप जाना किसी भी कैफे में और अपने सिलेबस को प्रिंट करवा लेना, आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है, ठीक है। सिलेबस को प्रिंट करवा के जो जो टॉपिक आप पढ़ते जाना पेंसिल से अंडरलाइन करते जाना बेटा, एक अच्छी शुरुआत करो, एक नई शुरुआत करो, है ना। अगर आप अभी से नॉलेज की तरफ शिफ्ट हो जाओगे ना, एसएससी जेई वगैरह बहुत आसान होता है यार, आराम से निकाल लोगे। अभी क्या आपका टेक्निकल पार्ट अच्छे से कर लो आप, फिर उस समय क्या करना पड़ेगा, सिर्फ नॉन टेक्निकल करना पड़ेगा, फिर होता क्या हम लोग पास आउट होते हैं और फिर दोनों करना पड़ता, दोनों ही नहीं कर पाते। अब एक साथ भाई अगर दो चीजें उठाने के बोलेगा तो दिक्कत तो होगा ना, तो इससे अच्छा अभी एक चीज उठा लो जो आपके हाथ में, आप एग्जाम में पास भी कर जाओगे, मजा ही मजा, है ना। तो वो चीजों को करो बेटा आप, ठीक है। चले तब तक बहुत ज्ञानी बाबा में बन गया, आपको बहुत ज्ञान दे दिया, उसके लिए माफी। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।